हेलो फ्रेंड्स आई होप यू आर डूइंग गुड वेलकम टू आर चैनल ऑन सक्सेस विधारम ऑनलाइन एजुकेशन इन द सीरीज़ ऑफ़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया टुडेज टॉपिक इज ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया सो लेट स्टार्ट टुडेज टॉपिक ये जो पार्क है ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू रीजन में स्थित है और वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय माउंटेनरी का पार्ट्स है इस पार्क को स्टाब्लिश किया गया था 1984 में ये स्प्रेड है ऑलमोस्ट 1171 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये सिचुएटेड है मतलब इस एरिया में इतना फैला हुआ है इसका जो ऑल्टीट्यूड मतलब जो ऊंचाई है वो लगभग कितनी है 1500 से लेकर 6000 मीटर के बीच में है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो है हेबिटाट है न्यूमेरियस फ्लोरा एंड फोना का यहाँ पर हमें ऑलमोस्ट 375 हंड्रेड फोना की स्पीशीज़ मिलती है जिसमें से हमें यहाँ पर मिल सकता है मिलता है 31 वन मैमल्स की स्पीशीज, 181 एटी वन बर्ड्स थ्री रेप्टाइल्स नाइन एम्फीबियंस 11 एनालिट्स सेवनटीन मॉलिस्कर्स एंड वन ट्वेंटी सेवन इंसेक्ट स्पीशीज़ हमें देखने को मिलती है सो so, इस वजह से हम पता लगा सकते हैं कि जो एरिया है ये फॉर द फ्लोरा एंड फ़ोना के लिए कितना बायोडाइवर्सिटी के इम्पोर्टेंस कितनी है इस एरिया में क्योंकि हमें यहाँ पे वेराइटी ऑफ स्पीशीज़ देखने को मिल रही है नाउ कम टू द मैप देखो ये है हमारा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया ये जो रेड कलर की हमें लाइन दिख रही है ये है हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के इस कुल्लू रीजन में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो है ये सिचुएटेड है जो ये जम्मू कश्मीर और जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाला पार्ट जो होता है इन हिमालयस को कहते हैं हम वेस्टर्न हिमालयस। और ये ईस्टर्न पार्ट में जो हमको हिमालयस देखने को मिल जाते हैं मिलते हैं उसको बोलते हैं हम ईस्टर्न हिमालयस। और जो उत्तर प्रदेश बिहार वाले एरिया में जो हिमालयस मिलते हैं उनको कहते हैं हम मिडल हिमालयस इस तरह से हमने हिमालय का डिवीज़न किया गया है जो ये पार्क है वो प्रोटेक्ट किया जाता है अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। इस वजह से इस एरिया में क्या है हंटिंग जो है प्रोहिबिट की गई है देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या होता है सिक्स शेड्यूल्स हैं जो ये सिक्स शेड्यूल है शेड्यूल वन टू सिक्स इसमें क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ को उनके थ्रेटिंग के लेवल से या फिर अगर उनमें इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं सो so इन शेड्यूल में उनको रखा जाता है उनकी कैटेगरी के हिसाब से और डिफरेंट डिफरेंट शेड्यूल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है जैसे शेड्यूल वन जो है उसमें जिस स्पीशिज़ हैं कोई भी फोना है कोई भी प्लेस है अगर इसको रखा जा रहा है तो हाईली प्रोटेक्टेड होता है इसमें कोई भी हंटिंग या फिर ह्यूमन इंक्रोचमेंट इसमें अलाउड नहीं होता है अब बात करें अगर हम इसको कि इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरीटेज साइट का दर्जा कब मिला सो टू थाउजेंड फोर्टीन में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरीटेज साइट का दर्जा दिया गया रानी की जो वाव थी जो हमने पढ़ा था लेक्चर में उसको भी 2014 में ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था और दोनों जो साइट्स हैं उनको साथ ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कमेटी ने इसको जब नेचुरल साइट का दर्जा दिया तो उसके अंदर जो क्राइटेरिया था वो था आउटस्टैंडिंग सिग्निफिकेंस फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जब हमने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था तब उसमें हमने देखा था कि टेन क्राइटेरिया थे उसमें क्या था सिक्स क्राइटेरिया जो थे वो कल्चरल साइट्स के लिए थे और फोर क्राइटेरिया जो थे वो थे नेचुरल साइट्स के लिए अगर कोई भी साइट उनमें दस में से कोई भी एक क्राइटेरिया मीट कर लेती है तो उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाता है सो so, ये जो पार्क है इसने मीट किया है आउटस्टैंड सिग्निफिकेंस फॉर बायोडाइवर्सिटी कन्जर्वेशन एरिया कन्जर्वेशन जो क्राइटीरिया है उसको मीट किया है इसलिए इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरीटेज साइट का दर्जा दिया गया इस पार्क में हमें देखने को मिलते हैं हाई एल्पाइन पीक्स एल्पाइन मिडोज एंड रिवर आइन फॉरेस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरीटेज साइट की सीरीज में हमने एक लेक्चर पढ़ा था वो था वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क उसमें आपने देखा था कि जो मिडोज होती है अल्पाइन मिडोज होती है वो थी एंडेमिक थी उस रीजन में सो so, इस वजह से हमें यहाँ पर भी अल्पाइन मिडोज़ देखने को मिलते क्योंकि जो एरिया है ये पास पास ही है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क एरिया जो है प्रोटेक्ट करता है मॉनसून इफेक्टेड फॉरेस्ट को अल्पाइन मीडोज ऑफ हिमालयन फॉरेस्ट फ्रंट रेंज ये जो पार्क है ये पार्ट है हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वो होते हैं कि जैसे कि कोई भी बायोडाइवर्सिटी जो रीज़न है वो उसमें क्या है थ्रेटिन स्पीशीज़ सरवाइव कर रहे हैं जैसे बहुत ज़्यादा वल्नरेबल यानी एंडमिक स्पीशीज़ अगर यहाँ पर सरवाइव कर रहे हैं बट ये जो एरिया है ये ह्यूमन इनक्रोचमेंट की इनक्रोचमेंट की वजह से और किसी भी मतलब हैबिटाट को डिस्ट्रॉय की वजह से अगर वो एंडेंजर्ड हो रहा है मतलब एक्सप्लोइड हो रहा है सो so वो रीज़न जो है वो कहलाता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। इस एरिया में हमको लगभग ट्वेंटी फाइव फॉरेस्ट टाइप्स मिलते हैं और ये जो पार्क है ये होम है लगभग सॉरी होम है थर्टीन स्पीशीज का प्रोवाइड कराता है इनको हैबिटाट विच आर क्रिटिकल टू देयर सर्वाइवल देखो जैसे कि हमने पीछे देखा कि कितने सारे इसमें वेराइटी स्पीशीज़ हमें देखने को मिलते हैं सो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैबिटाट होता है अगर हम इसको एक्सप्लोयड कर देंगे सो जो स्पीशीज़ हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं उनका जो सर्वाइवल जो है वो खतरे में आ जाएगा सो so, इस वजह से इस एरिया को प्रोटेक्ट करना इस पार्क को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है टू प्रोटेक्ट द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना इस पार्क में हमें थ्रेटन स्पीशीज मिलेंगे नियर थ्रेटन स्पीशीज मिलेंगे वलना और इंडेंज स्पीशीज़ भी देखने को मिलते हैं जैसे कि लेपर्ड हमें देखने को मिल जाएगा हिमालयन ब्लैक बियो रॉयल्स वॉल हिमालयन थार हिमालयन शिरोन हिमालयन गोराल हिमालयन मस्क डियर वेस्टर्न थ्रोपोगान ट्रोगोपान और चीर फीजेंड इस तरह की हमें यहाँ पर जो रेयर स्पीशीज है, वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी ये है हिमालयन मोनल की पिक्चर इस पार्क में हमें लेपोड भी देखने को मिल जाएंगे ये है वेस्टर्न थ्रोगोपान Uh, this is a picture of ship. So, this is a complete analysis of this lecture. If you like it, hit the like button, subscribe our channel, and thanks for watching.